किसे एक बंदे पे भी कोई बंदा आके कह दे हरजोत प्रेस ने मेरे से झूठा पर्चा राणा केपी मेरे को लेके आन अपना कोई इलाके का काम लेके आन कोई समाज सेवा का काम लेके आन मैं उन्होंने भी मना नहीं करूँगा उन्होंने उन्होंने किते हुए कर्मा की सज़ा मिलनी है मैं हूँ की कर सकता जिड़ी भी गड्डी बाहरों आती है बॉर्डर पर जेकर वो कागज़ नहीं दिखाती उस स्टेट के तो उन्होंने 7 रुपये फुट पैसे जमा कराने पैंदे ते हुण तक पंजाब के खजाना च 2 लाख रुपया आ रहा बदला खोरी की राजनीति मैं नहीं करता ते मेरे वालों किसी ते कोई नजायज परचा नहीं किया गया ये कहना है कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस का जी हाँ श्री आनंदपुर साहिब दे विच मंत्री हरजोत बैंस दे वालों वड्डा बयान दिता गया उन्हें कहा कि केपी राणा ने जो गलतियां अपनी सरकार समय कीतियां ने उन्हें गलतियां दी ही हुण वो सजा भुगत रहे ने किसे एक बंदे ते भी कोई बंदा आके कह दे हरजोत प्रेस ने मेरे से झूठा पर्चा राणा केपी मेरे को लेके आन अपना कोई इलाके का काम लेके आन कोई समाज सेवा का काम लेके मैं उन्होंने भी मना नहीं करूंगा उन्होंने उन्होंने किते हुए कर्मा की सज़ा मिलनी है मैं हूँ की कर सकता सर कीरतपुर साहब का एक जो थानू अच्छ दस देव हजे कंक्रीट नहीं है पर कीरतपुर साहब के जितों सौंदरीकरण मेरा मुख एक मेरा सुपना है क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट इतों जाते हैं तो उतों चले जाते हैं तो जिते कीरतपुर साहब की एंट्री है उन्होंने इन्ना शानदार बनाइए ये मेरा सुपना है कि कुछ पैसे कमेटी को पे या कुछ पैसे कितने होर रहे थे असी उन्होंने डायवर्ट करके सानू है कि कीरतपुर साहब को लैके जितों शुरुआत होंगी तो बस स्टैंड तक वो इन्ना सोहना बने पहले इन्नी पावन धरती है दो गुरु साहबाना के इतने जन्म पहली धरती है इन्नी पावन धरती है तो इन एज टूरिज्म तो इन सुंदरीकरण करना मेरा बहुत पत्रकारों के नाल गलबात करते हुए हरजोत बैंस ने हिमाचल तो आते टिप्परां दे बारे बोलदिया कहा कि पूरे देश दे विच GST लागू है बाहरले स्टेटा तो जो मटीरियल आंदा उत्थे पहलां सरकारां गुंडा पर्ची लगाउंदियां सी पर हुण साडी सरकार ने जदों भी कोई बाहरली स्टेट तो गड्डी पंजाब दी हद अंदर रेता बजरी लैके आउंदी है तो उसके कोल जेकर कागजात नहीं हुंदे ता 7 रुपये फुट के हिसाब के नाल पैसे ले जाते हैं जिस दे नाल पंजाब दे खजाने नू भरिया जा रहा है रोपड़ जिला पिछली सरकार के समय भी होंदा रहा पिछाड़ू पिछ पिछोकड़ रहता सी हूँ फिर उही दोबारा हो रहा किसी नूं नहीं मिल रही सब तो अगे चलूगा ये जो मसला है जी ये CM साहब या पार्टी प्रधान साहब उन्होंने अधीन आता हिमाचल तो टिप्पर भर के आंदे आ सर देखो जी GST देश च लागू है अज भी मैं थोड़े राही दस दवा कुछ पंजाब च इदा दे शख्स ने जिन्हां दी 4 घंटे की एवरेज है 4 घंटे बाद उन्हें कोई ट्वीट कोई फेसबुक पर जाली पोस्ट पानी है सिर्फ बिना कुछ तक GST देश च लागू है असी रोक नहीं सकते अगे जो बाहरों माल आता से हिमाचल हरियाणा जम्मू कश्मीर तो गुंडा पर्ची लगती से यह साड़ी ईमानदार सरकार है मेरे मित्र 7 रुपये लाए है जे अगर वो तो सिक्योरिटी लाई है जिड़ी भी गड्डी बाहरों आती है बॉर्डर पर जेकर वो कागज़ नहीं दिखाती उस स्टेट के तो उन्होंने 7 रुपये फुट पैसे जमा कराने पैंदे तो हुण तक पंजाब के खजाना च 2 लाख रुपया आ रहा हूँ वो जो बाहरों आके मैं किमें रोक दूंगा GST देश च लागू है मैं नहीं रोक सकता हिमाचल तो आंदू लगता नहीं जी ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਬਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 7 ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਾਤੀ ਜੀ ਹੁਣ ਟਰੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣਗੇ ਜੀ ਖੇੜਾ ਕਲਮੋਟ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਣਗੇ ਭਰਤਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਣਗੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕਿਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਰ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਜਾਂ 7 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਦੇਣੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਹਿਸਾਬ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਦਲਾਖੁਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ